तो आइए देखते हैं कि पहले क्या था और अब क्या है। और अब क्या है? रखिया फतेह सिंह पूछे दादी जी नू बोली जी आवाज भी। राइट, तो काफ़ी अच्छा, काफ़ी सॉफ्ट है, अभी भी बहुत ही अच्छी एक रिदमिक फील है, लेकिन भजन वाली फील ही है, कोई हार्ड हिटिंग नहीं, मैंने कुछ ओवर कंप्रेस नहीं किया है, सॉफ्ट लिमिट मैंने सॉरी सॉफ्ट क्लिप भी नहीं किया मैंने। नमस्ते, मैं हूं देव, आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर। आज हम मास्टर करने वाले हैं एक सॉन्ग जिसका म्यूजिक बीट लैब ने किया है, मिक्स बीट लैब ने किया है, और हमारे पास आए हैं मास्टरिंग के लिए। जो मास्टरिंग के लिए हम यूज करने वाले हैं सॉफ्टवेयर, सिर्फ हम करने वाले हैं ओजोन 10 पर, और जो रेफरेंस मॉनिटर्स यहां पर मैं यूज करने वाला हूं वो है मेरे नए कैली ऑडियो के LP6V2। कुछ दिन हो गए हैं इनके ऊपर काम करते हुए, डेफिनेटली बहुत क्लीन साउंड है, चाहे हम बेस की बात करें, चाहे मिड्स की बात करें, चाहे हाई की बात करें, बहुत अच्छा फ्लैट रिस्पॉन्स है। जो भी लोग इस वक्त सोच रहे हैं 6 इंच 5 इंच इस रेंज के अंदर, 7 इंच के अंदर कुछ खरीदने की, मैं सबको डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा, ये स्पीकर्स बहुत अच्छे हैं, वैल्यू फॉर मनी भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप लेना चाहें तो वहां से ले सकते। तो यहां पर हम देखते हैं, एक बार सॉन्ग सुनते हैं, ओजोन 10 है फिलहाल, इसे मैं यहां से एक बार ऑफ कर देता हूं, सुनते हैं। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे फतेह सिंह पूछे दादी जी नू बोली जी आवाज विच। बहुत अच्छी वाइब है। अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब भी आपके पास कोई आर्टिस्ट या क्लाइंट अपना सॉन्ग या ट्रैक कुछ भी आपको भेजता है, तो आपने ऑडियो इंजीनियरिंग के हिसाब से उसे कंप्लीट चेंज करने नहीं बैठ जाना है। आपको याद रखना है कि जो उसकी वाइब है, जो उसका टेस्ट है, वो मेंटेन रहे, मैं वहीं से आगे थोड़ा थोड़ा पॉलिश करता जाऊं। ये नहीं है कि बिल्कुल जीरो से ही आप अपना दिमाग लगाना शुरू कर दो, नहीं किक यहाँ होनी चाहिए थी, स्नेयर यहाँ होनी चाहिए थी, उसे वापस फ़ोन करके बताया ये ऊपर कर दो नीचे कर दो, नहीं, आप थोड़ा बहुत उसे बता सकते हैं कि हाँ हल्का बूमी है, थोड़ा इतना कर दो, ये थोड़ी हार्श फ्रीक्वेंसीज हैं, ये वाला इंस्ट्रूमेंट अगर आप हल्का सा पैन कर देंगे, फलाना कर देंगे, तो थोड़ा मिक्स और बेटर हो जाएगा, मैं मास्टरिंग में और अच्छी आउटपुट निकाल सकता हूँ। पर ये नहीं है कि मैं मास्टरिंग के दौरान पूरा के पूरा उसका टेस्ट ही चेंज करके रख दूँ, हाईज लोज इतने ज़्यादा उठा कर रख दूँ कि वो बेचारा बोले कि हाँ इंजीनियरिंग की बुक के हिसाब से तो बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन डेफिनेटली अब ये वो सॉन्ग या वो ट्रैक ही नहीं रहा जिसकी मुझे वाइब थी। राइट, तो हम यहाँ पर जाते हैं, ओजोन ही हम सिर्फ यूज करने वाले हैं, सबसे लाउडेस्ट पार्ट पे जाते हैं, आई थिंक यही लग रहा है। फतेह सिंह पूछे दादी जी नू बोली जी आवाज विच जालमा। फतेह सिंह पूछे दादी जी नू बोली जी आवाज विच जालमा रखिया। ठीक है, मैं इसे लूप कर लेता हूँ और यहां जाते हैं, ओजोन को हम ऑन करते हैं, और सबसे पहले यहां पर मैं यूज करने वाला हूं, देखते हैं कि अपने आप ये क्या चीज करता है। आप यहां जाएंगे और इसको जो असिस्टेंट है वो ऑन कर देंगे, अब वो वेट कर रहा है कि जी हां ऑडियो प्रेस कीजिए, तो एक बार ऑन कर लेते हैं। रखिया फतेह सिंह पूछे दादी जी नू बोली जी आवाज विच जालमा ने सानू ज क्यों रखिया फतेह सिंह पूछे दादी जी नू। नाइस, आप देख सकते हैं ओवरऑल काफ़ी फ्लरिश हो गया है, उसने वॉल्यूम तो बढ़ाया ही है, थोड़ा बहुत डेफिनेटली और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर की हैं। यहाँ अगर आप देखें कि इसका इंटरफेस काफ़ी चेंज है, अगर आप मेरा पिछला लेक्चर देख चुके हैं ओजोन के ऊपर, ओजोन प्रो जो था उस पर भी मास्टरिंग, और उससे पहले भी काफ़ी हमने इसके ऊपर डिस्कस किया, आप भी शायद कोई और वर्जन अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि दिखने में थोड़ा बहुत ये डिफरेंस है, क्योंकि इस बार यहाँ पर काफ़ी सारी नई चीज़ें हैं, मैं यहाँ पर अलग अलग मेरे पास जॉनर हैं जिस हिसाब से मैं इसका टोन जो है वो थोड़ी चेंज कर सकता हूँ, जो बैलेंस है वो चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पर विड्थ है वो मैच कर सकता हूँ, और इम्पैक्ट इन्होंने नई चीज़ लेकर आए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं इस पर क्लिक करता हूँ मेरे डिटेल व्यू पे, और आप देखें इसने EQ को काफ़ी ऊपर नीचे कर दिया जो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं वापस यहाँ से जाऊँगा और बिना सुने, क्योंकि मुझे इतना इसने अपनी तरफ से जो AI है इसकी, उसने दिमाग लगाया है कि यहाँ मिड होने चाहिए यहाँ हाई होने चाहिए, डेफिनेटली वो चीज़ मुझे नहीं चाहिए होगी। मैं वापस इसको ले जाता हूँ ऑलमोस्ट एक। रखिया फतेह सिंह पूछे दादी जी नू
पौड़ी जी आवाज विच जालमा ने सानू ठंडे बुरज क्यों रखे आ। फतेह सिंह पुछे दादी जी नू पौड़ी जी आवाज विच। जो लिरिक्स हैं वो बताते हैं कि शहीदी के दिन थे तो हम सबको याद रखना चाहिए, और डेफिनेटली चिल्ड्रन डे अगर हम इन दिनों में कर सकें तो और अच्छी बात है। थोड़ा सा मैंने हल्का सा इक्यू किया है, सिर्फ लो और हल्के से मैंने हाई बूस्ट किए हैं। वापस हम इसके ऊपर आएंगे, एक बार देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसने अपने आप कर दी हैं। यहाँ अगर आप देखें हमारे पास एक स्टेबलाइजर आया है, जो कि अगर आप देखें यहाँ पर दो हमें ऑप्शंस मिलती हैं, शेप और कट। शेप क्या करता है, लो और हाई को एक बूस्ट और कट करके एक अच्छा सा ग्लू दे देता है, लेकिन वो कितना चाहिए वो यहाँ से हम जो है कंट्रोल कर सकते हैं। देखिएगा मैं थोड़ा एग्जैजरेट करके भी आपको दिखाता हूँ। फतेह सिंह पूछे दादी जी नू पौड़ी जी आवाज़। राइट, तो मैं हल्का सा यहाँ जाता हूँ और मैं कट पे जाता हूँ। आपने सूद जो है VST वो यूज करके पहले भी देखा होगा, जो रेजोनेंसीज है वो काफी कट कर देता है। हम यहाँ से सेंसिटिविटीज की थोड़ी सी बस। इसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ पर इम्पैक्ट। अब इम्पैक्ट अगर हम देखें, आप देख रहे हैं कि चारों को उसने थोड़ा 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 तो है बूस्ट किया है। इम्पैक्ट क्या चीज़ है, मेरा मल्टीबैंड ट्रांजिएंट शेपर है। तो यहाँ पर मैं अगर देखूँ, मैं सिर्फ लो सुनता हूँ एक बार। मैं नहीं चाहूँगा कि लोस पे मैं कुछ ऐड ऑन करना चाहूँ, मैं वापस जाता हूँ। फतेह सिंह पूछे दादी जी नू पौड़ी जी आवाज विच जालमा ने सानू। सिर्फ मिड और हाई पे जो तबले के जो मेन है, ये क्या कर रहा है कि जो आप ड्रम सुन रहे हैं बहुत सटल सटल रखा है, क्योंकि वो भजन वाली एक फील है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे, मैं इसे अकेला सोलो कर देता हूँ। चलिए हाई मिड्स पे जाते हैं, आप ग्राफ को देखिएगा। आप देख रहे हैं वो ट्रांजिएंट्स की शेप किस तरह से होगी है, जहां जहां वो टक टक वहां वो तीखा तीखा ऑन होना शुरू हो गया। आप शुरू में ट्रांजिएंट देखेंगे और जैसे ही मैं यहां से डाउन करूंगा वही ट्रांजिएंट्स टेम होना शुरू हो जाएंगे। देख रहे हैं आप ये चीज, राइट। तो मुझे थोड़ा सा तो ट्रांजिएंट डेफिनेटली चाहिए ही। राइट, इससे जो मेरे तबले के ट्रांजिएंट हैं वो काफी अच्छे फ्रंट पे सुन रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं इमेजर पर। उसने जो है लो एकदम मोनो कर दिए हैं, ठीक है, और जो हाई है वो बिल्कुल ही वाइड करके रखी है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पर हमें नई ऑप्शन आई है। ये क्या चीज़ है कि ठीक है, मोनो कंपैटिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, सेफ साइड के लिए क्या करते हैं, जो लोज होते हैं मेरे उनको मोनो कर देता हूँ, लेकिन उसके अंदर जो साइड थी वो भी सब दब जाते हैं। उस वजह से कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि मेरी बेस दब गई है, मेरे गाने के जो लो एंड है वो थोड़ा दब गया है। तो जो जो एलिमेंट मेरा साइड्स पे था वो वापिस से रिकवर हो जाता है। किस तरह से, मैं सिर्फ लो को ही सोलो करके सुनाता हूँ। जो हम सुन रहे हैं इस वक्त वो केवल यहां पर मैंने बिल्कुल यहां कर दिया। अब देखिएगा जैसे जैसे मैं इसे उठाता जाऊंगा आपको अपने आप पता लगेगा कि हां मेरे साइड्स वापस से आ रहे हैं। राइट, तो कितने ही क्लीन चीज उन्होंने यहां पर बनाई है। यहाँ पर हमारे कोरिलेशन मीटर है और जीरो से प्लस वन के बीच में रहेगा तो मोनोकमेटिकबल रहेगा, जिसके बारे में हम पहले भी काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ मेरे पास एक डायनामिक ईक्यू है और लोअर साइड पे मुझे थोड़ा सा लग रहा है। राइट, तो मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा और एग्जैक्टली इसको हल्का सा मैं नीचे ले जाना चाहूंगा। पौड़ी जी आवाज विच जालमा ने सान। वापिस से मैं EQ जाता हूं, मुझे थोड़े से हाईज और बूस्ट चाहिए, लेकिन यहां पर मैं यूज करने वाला हूं एक्साइटर। यहां प्लस करता हूं और यहां से मैं जाता हूं एक्साइटर, हार्मोनिक एक्साइटर है, इसे मैं थोड़ा पीछे ले जाता हूं मैक्सिमाइजर से और यहां पर तकरीबन 150
और यहाँ ले लेता हूँ मैं 1000 के पास, और मैं 4.5 के ऊपर लेकर जाना चाहूँगा, और सिर्फ उसको सोलो करके सुनते हैं। हल्का सा मैं इसे बूस्ट करना चाहूँगा, मैं सोलो हटाता हूँ, और ट्रायोड दोनों पे जो मुझे वाइब आ रही है, मुझे एक ओवरऑल एक अच्छा सा बैलेंस चाहिए, तो मैं थोड़े से हार्मोनिक्स ऐड करूँगा हाइज पे और मिड हाइज पे। फते सिंह पूछे दादी जी नू बोली जी आवाज विच जालमा ने सानू ठंडे बुरज क्यों रखिया। फते सिंह पूछे दादी जी नू बोली जी। लो मिड्स पे मैं थोड़ी वार्म यहाँ पर एल्गोरिथम लेना चाहूंगा, बहुत सटल सा दूंगा। रखिया सोलो करके देखते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एक्साइटर ऑन ऑफ, पहले क्या था आपको लग रहा है थोड़ा सा अपफ्रंट आ गया है, वो यही है। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं ओजोन 10 के अंदर क्या क्या चीजें आई हैं, राइट। तो एक तो हमारे पास इंपैक्ट आया है और ऑब्वियसली वो एक स्टेबलाइजर आया है। यहां से मैं जाता हूं, थोड़ा मुझे कंप्रेसर भी चाहिए हल्का सा, मैं डायनामिक रेंज थोड़ी सी कंट्रोल करना चाहूंगा, तो इस पे मैं क्लिक करता हूं, मैं जाता हूं डायनामिक्स पे, और अगेन मैं डायनामिक्स को सैचुरेशन से ही पीछे ले जाता हूं, एक्साइटर से थोड़ा पीछे। रखिया फते सिंह पूछे दादी जी नू बोली जी आवाज विच जालमा ने सानू ठंडे। बहुत सटल। और यहां जाते हैं हम फाइनल मैक्सिमाइजर के अंदर, एक बार ट्रू पिक मेरी ऑन है और जो सीलिंग है उसे -1 रखूंगा। क्यों? क्योंकि जब भी वो इंस्टाग्राम पे जा रही है या स्पॉटिफाई पे जा रहा है, आईट्यून पे जा रहा है, हर जगह अलग अलग ऑडियो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम अलग अलग फॉर्मेट ही सुन रहे होते हैं, चाहे मैं MP3 एक्सपोर्ट करूं, चाहे मैं वेव एक्सपोर्ट करूं, ये अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर हम वेव नहीं सुन रहे होते, अलग अलग फॉर्मेट सुन रहे होते हैं। तो जब वो कन्वर्जन होती है तो ऑब्वियसली एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट के अंदर, मैंने पहले भी आपको ये चीज़ बताई है, तो सीलिंग जो है एक समय -0.1 थी, CDs जब आई तो -0.3 थी, कि अलग अलग लेंसेज पता नहीं उसे कैसे चेंज करेंगे। जो डिजिटल प्लेटफॉर्म जो ये जितने भी आ गए हैं स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड होता है -1 dB, तो ठीक है मैंने सीलिंग को -1 dB कर दिया है। या राइट साइड पे अगर देखें तो हमारे पास एक सॉफ्ट क्लिपर भी आ गया, सॉफ्ट क्लिपिंग हम ऑलरेडी जानते हैं। यहाँ पर हमें फ़ायदा क्या है कि लो मिड और हाई पे अलग अलग हम सॉफ्ट क्लिपिंग कर सकते हैं, परंतु ये सॉन्ग भजन है, बहुत अच्छी फील है इसकी, बड़ा सॉफ्ट है, मुझे इसके अंदर कुछ भी हार्ड पंच, हार्ड स्नेयर, हार्ड किक नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्लिपिंग नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ मैं हल्का सा यहाँ पर इसे लाउड करूंगा लिमिटर। वापिस मैं जाता हूँ थोड़ा सा मेरे एक्साइटर की तरफ। थोड़ा सा मैं जाता हूँ स्टेबलाइजर की तरफ। लो मिड और हाई हम अलग अलग यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। फते सिंह पूछे दादी जी नू बोली जी आवाज विच जालमा ने सानू ठंडे बुरज क्यों रखिया। फते सिंह पूछे दादी जी नू बोली जी आवाज विच जालमा ने सानू ठंडे बुरज क्यों रखिया। फते सिंह पूछे दादी जी नू बोली जी आवाज विच जालमा ने सानू ठंडे बुरज क्यों रखिया। फते सिंह पूछे दादी जी नू
ਪੌੜੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਲਮਾਂ। एंड आई थिंक डन। तो ऑलरेडी जो उसका एआई है वो काफ़ी अच्छा, उसने ऑलरेडी काम कर दिया था। थोड़ा थोड़ा हम अपने टेस्ट के हिसाब से हमने चेंज कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि जो असिस्टेंट है ओजोन 10 का, वो बहुत अच्छा काम करता है। थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगा रहा होता है, हमें उसी हिसाब से अपने टेस्ट के हिसाब से उसे ट्वीक करना है। तो आइए देखते हैं कि पहले क्या था और अब क्या है। और अब क्या है? ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਪੁੱਛੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੌੜੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ। राइट, तो काफ़ी अच्छा, काफ़ी सॉफ्ट है, अभी भी बहुत ही अच्छी एक रिदमिक फील है, लेकिन भजन वाली फील ही है, कोई हार्ड हिटिंग नहीं, मैंने कुछ ओवर कंप्रेस नहीं किया है, सॉफ्ट क्लिप भी नहीं किया मैंने, बहुत अच्छा अच्छा। धीरे धीरे हम सुनते जाएंगे, हारमोनिक्स ऐड करते रहेंगे, डायनामिक्स कंट्रोल करते रहेंगे, और याद रखेंगे कि मेरा जो आर्टिस्ट है, मेरा जो क्लाइंट है, उसकी जो फील है वो बरकरार रहे, मैं सिर्फ अपनी फील के हिसाब से उसके गाने की टोन या डायनामिक्स ही पूरे के पूरे चेंज ना कर दूँ, सिर्फ इस पॉइंट में कि हाँ मुझे मास्टरिंग करनी है, ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली मुझे उसका भी ध्यान, उसके टेस्ट का ध्यान रखना होगा। राइट, तो यही है ओजोन 10 से मास्टरिंग। जाइए डाउनलोड कीजिए, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो सीखिए, बहुत अच्छा अपडेट आया है इसको। जितना जल्दी आप और सीखते रहेंगे, बहुत सारी चीजें आती रहेंगी। और बात करूंगा मैं अपने कैली ऑडियो LP6V2 के बारे में। लोन पाइन बहुत ज़बरदस्त, और मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ, काफ़ी दिन मुझे हो गए इसके ऊपर काम करते हुए, प्रोड्यूस करते हुए, मिक्स करते हुए, डेफिनेटली मास्टर करते हुए। बहुत अच्छी वाइब है, जाकर ये गाना भी जरूर सुनेगा जब रिलीज होने वाला है। मिलते किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए देव नेक्स्ट लेवल साइनिंग आउट। नमस्ते। रखिया फतेह सिंह पुछे दादी जी नू पौड़ी जी आवाज़ विच जालमा ने सानू।